हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के नौ दिनों में माँ के नौ अलग अलग रूपों की पूजा होती है, जिसमें से माँ का यह रूप बहुत ही सौम्यता और शांति से भरा हुआ है। आज के दिन माँ के इस स्वरूप की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख सौभाग्य आता है। साथ ही अगर आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको माँ चंद्रघंटा की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और कुछ खास उपाय भी करने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2021 के चैत्र नवरात्रि के तीसरे व्रत की तिथि, माता चंद्रघंटा के स्वरूप, रंग, भोग, मंत्र, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यह आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं गलती भी हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र तृतीय तिथि यानी कि चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। देवी माँ के माथे पर र घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा, जिनका वाहन सिंह है, देवी चंद्रघंटा हर परिस्थिति में सभी तरह के कष्टों से छुटकारा दिलाने में सहायक है। माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जाप किया जाए तो सभी परेशानियों के साथ ही साधक को शुक्र ग्रह से संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है, क्योंकि शुक्र ग्रह पर माँ चंद्रघंटा का अधिपत्य रहता है। आज के दिन ऋण मुक्ति यानी कि कर्ज से मुक्ति के लिए माता चंद्रघंटा की कृपा पाने के मंत्र और उपाय जरूर करने चाहिए। ऐसा करने से जल्दी ही लाभ मिलता है। तो सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की तिथि और पूजा विधि। दोस्तों, साल 2021 में चैत्र नवरात्रि का तीसरा नवरात्रि व्रत 15 अप्रैल गुरुवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकेगा। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ दुर्गा का यह रूप बहुत ही सुंदर, मोहक और अलौकिक है। चंद्र के समान माँ के इस रूप से दिव्य सुगंधियों और दिव्य ध्वनियों का आभास होता है। माँ का वाहन सिंह है। माता देवी माता का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा देवी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं चंद्रघंटा पूजन विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ की पूजा से पहले सभी देवी देवताओं का आवाहन करें और फिर माता रानी को पंचामृत से स्नान करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन
माता रानी की पूजा में क्रीम या ब्राउन यानी कि भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। माँ को कमल और शंख पुष्पी के फूल अर्पित करें और उन्हें दूध या दूध से बनी हुई मिठाई या फिर खीर का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हाथों में फूल लेकर प्रार्थना करते हुए माँ के मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का जाप करें और अंत में आरती करें, व्रत कथा का पाठ करें, पूजा करें। यानी कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का भी पाठ करना चाहिए और चंद्रघंटा माता की कथा का श्रवण करना चाहिए, मतलब चंद्रघंटा माता की कथा पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। उसके बाद आरती करें और पूजा संपन्न करें। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की सबसे पहले विधिवत पूजा करें। उन्हें सब उनकी जो प्रिय चीज़ें हैं वो अर्पित करें। इसके बाद आज के दिन पूजा के बाद घर में शंख और घंटा जरूर बजाएं। ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्रि के दिन किए जाने वाले यानी कि माता चंद्रघंटा की पूजा के साथ साथ आपको कुछ खास उपाय करने चाहिए, क्योंकि इन उपायों को करने में बहुत ताकत है। अगर आपको बहुत कर्जा है, आप कर्जे से मुक्ति आपको नहीं मिल रही है, तो ऋण मुक्ति के लिए आपको माता चंद्रघंटा की कृपा पाने के लिए मंत्र और उपाय जरूर करने चाहिए। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि वे उपाय कौन से हैं। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा जरूर करें और कमल गट्टे को पीसकर देसी घी की सफ़ेद बर्फी में मिलाकर 21 आहुति दें। इसके अलावा आज पीली कौड़ी और हर श्रृंगार की जड़ को रौली, अक्षत, पुष्प, धूप दीप से पूजन करके धारण करें या अपने पास अपने पर्स में रखें, तो ऐसा करने से ऋण से मुक्ति प्राप्त होगी। नंबर 3, आज सफ़ेद कपड़े में 5 गुलाब के फूल, चांदी का टुकड़ा, चावल और गुड़ सफ़ेद कपड़े में रखकर 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें और मन ही मन ऐसी प्रार्थना करें कि मेरी परेशानी उतर जाए, मेरा कर्ज उतर जाए। मन में ऐसा विचार करते हुए इसे जल में प्रवाहित करें। नंबर 4, कमल की पंखुड़ियों में माता को मक्खन मिश्री का भोग लगाकर 48 लौंग और 6 कपूर की आहुति दीजिए। ऐसा करने से भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। नंबर 5, केले के पेड़ की जड़ में रोली, चावल, फूल और जल अर्पित करें और नवमी वाले दिन केले के पेड़ की थोड़ी सी जड़ तिजोरी में रखें। ऐसा करने से भी कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि गुरुवार के दिन यानी कि तृतीया तिथि दोपहर गुरुवार को दोपहर 3:28 तक रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता की भी ज़रूर लिखें और इस जानकारी को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हो सकता है इस जानकारी से किसी का भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले।
और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री हरि।